एवरीवन, वेलकम बैक। सो हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद द इंडियन इकोनॉमी, राइट? सो उसको ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो रीकैप जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था क्या फीचर्स देखे थे इंडिया के बिफोर कॉलोनियल रूल और बिफोर ब्रिटिश रूल, क्या क्या फीचर्स थे हमारे इंडिया के, राइट? फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटिश राज और कॉलोनियल रूल हमारा चला 1757 टू 1947, दैट इज एक्चुअली अराउंड 200 ईयर्स, राइट? सो कैन बी कॉल्ड एज अ, मतलब 190 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने राज किया। तो हमारा चैप्टर वन तो यही है कि भाई हम लोगों को पूरे इस पीरियड रिलेटेड ही पढ़ना है कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किया था। तो हम लोगों ने थोड़ा उसके पहले का भी देखा, क्योंकि हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या क्या तबाह किया था, हमारी रिचनेस, हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इन सबको कैसे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें की थी, राइट? अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बाद लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑन द एम ऑफ ब्रिटिश, ऑन द एम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारा डेवलपमेंट इंडिया का कैसे था, तो मैं आपको क्लेरिफाई करूं, तो हमारी जो इकोनॉमी हो गई थी वो हो गई थी स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुक गई थी, नो डेवलपमेंट हैपेंस, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी नेशनल इनकम क्या थी, लो नेशनल इनकम, एकदम डाउन हो गई थी ये 190 साल में कॉलोनियल रूल में। पर कैपिटा इनकम, दैट इज पर हेड इनकम, मतलब एक इंसान की एवरेज एनुअल इनकम कितनी है देश में एक ईयर में, सो वो इवन डाउन हो गई थी। मतलब ग्रोथ, नो डेवलपमेंट और ग्रोथ हैपेंस इन दी कॉलोनियल एज, कॉलोनियल पीरियड, राइट? सो ये दो चीज़ें हम लोगों ने देखी कि भाई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि उन लोगों ने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और ये सब बर्बाद की थी। क्यों बर्बाद की थी? क्योंकि उनका जो गोल था कि वो खुद के होम कंट्री को, ब्रिटेन को वो डेवलप कर सके, और हमारा जो देश है, हमारे देश से रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे और वहाँ पर वो फिनिश गुड्स कन्वर्ट करते थे, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन वो लोग लेकर आए और हमारे इंडिया के रॉ मटेरियल्स और ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे, और हमारे इंडिया को ही वही फिनिश गुड्स हाई प्राइस पे बेचते थे। तो इस तरीके से इंडिया की रिचनेस, इंडिया का ग्रोथ वगैरह सब कुछ डाउन हो चुका था, और हमारा डेवलपमेंट नहीं, नेशनल इनकम नहीं बढ़ रही थी, पर कैपिटा इनकम इज ओनली एन एवरेज ऑफ 2% ग्रोथ, जितना एग्रीगेट एवरेज ग्रोथ रेट हो रहा था सिंपली हमारे इकोनॉमी में। सो ये स्टैग्नेंट, वही चीज़ बताइए कि रुकी हुई थी हमारी एक्चुअली इकोनॉमी, राइट? नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो 190 साल में डेवलपमेंट रिलेटेड तो चीज़ पड़ी, लेकिन हम लोगों को कुछ और सेक्टर्स रिलेटेड भी पढ़ना है। सो वी ऑल नो दैट के हमारे इंडियन इकोनॉमी जो है वो तीन सेक्टर्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट इज अ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड सेकेंडरी सेक्टर। सो हम लोगों को ये भी पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में कि 190 साल में ये तीनों सेक्टर्स में क्या हालत हुई, ब्रिटिश रूल ने, ब्रिटिशर्स ने कैसा सिचुएशन किया। एंड टर्शियरी सेक्टर, सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जनरली क्या आता है, एग्रीकल्चर एंड फिशरीज, कैटल रियोरिंग। सो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज जो हम लोग बोलते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में हमारी आ जाती है
इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जिसमें रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड्स, मतलब रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स जहाँ पर। और टर्शियरी सेक्टर कैन बी कॉल्ड एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर, सो इसमें बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर की में ऐसे कौन से फीचर्स थे ऑन द एम ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। सो सबसे पहला ब्रिटिशर्स ने निकाला था एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जमींदारी सिस्टम। क्या निकाला था? जमींदारी सिस्टम, जिसको बोलते थे हम लोग लैंड टेन्योर सिस्टम। सो सारी की सारी जमीनें बड़े बड़े जमींदार को बेच दी गई। और अब जो जमींदार अभी अगर जो फार्मर्स, क्योंकि इधर है ना जमींदार खुद तो काम करेगा नहीं, फार्मिंग करेगा नहीं, तो यहाँ पे आते थे दो ऑप्शन एक्चुअली, या तो वो लैंड रेंट पर देगा या तो क्या करेगा फार्मर्स को एम्प्लॉयड करेगा, समझे। सो दो सिचुएशन यहाँ पे अराइज होती थी कि या तो वो लैंड रेंट पर देगा बिग जमींदार और या तो वो फार्मर को एम्प्लॉयड करेगा। अब ये सिचुएशन में कैसे एक्सप्लॉयड करता था और ये सिचुएशन में कैसे एक्सप्लॉयड करता था? हमारी इंडिया एक्चुअली बिफोर कॉलोनियल रूल हमारे देश में जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस किए जाते थे वो सेल्फ कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस किए जाते थे, जो कि वो चीज़ को भी हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए था? हमारे इंडिया का रॉ मटेरियल्स, कॉटन, सिल्क और ये सब, ताकि वो ब्रिटेन में जाकर इंडस्ट्रीज ओपन कर सके और वही रॉ मटेरियल को फिनिश आउटपुट में कन्वर्ट कर सके। अब जमींदार क्या करता था? जो फार्मर्स को रेंट पर लैंड देता था तो उससे हाई रेंट चार्ज करता था, बहुत ज़्यादा प्राइस रेंट का चार्ज करता था ताकि वो एक्सप्लॉइट कर सके। और जो फार्मर रहता था तो फार्मर जो रेंट देता था तो रेंट कैसे देगा वो, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए बनाता था, तो अब वो धीरे धीरे क्या करेगा एक्चुअली कमर्शलाइजेशन भी करेगा। मतलब मैं आपको ये कमर्शलाइजेशन एक्चुअली बताऊंगी, मतलब बेचना एक्चुअली सेल पर्पस के लिए भी क्रॉप्स और रॉ मटेरियल्स को। तो फार्मर्स जो थे वो बहुत पुअर, एक तो ऑलरेडी हमारी इंडिया में नेशनल इनकम ये सारी चीज़ें एकदम डाउन थी, रिचनेस थी, प्रॉस्पेरिटी थी, लेकिन दे आर डूइंग फॉर सेल्फ कंजप्शन ओनली, राइट। उन्होंने वो कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए नहीं करते थे, जो भी होता था वो अपने में खुश रहते थे और उतने में सेटिस्फाइड रहते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को चाहिए था तो फार्मर्स से हाई रेंट चार्ज किया जाता था और फार्मर्स ने जितना प्रोड्यूस किया है तो वो बेचता था और उसके पास जितना इनकम आता था वो एज अ जमींदार को दे देता था और जमींदार ब्रिटिशर्स को वो पैसा दे देते थे। तो इस फ्लो में चलता था। तो मतलब हमारे फार्मर्स का तो पूरा एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में पॉवर्टी, इनकम फार्मर्स की एकदम लो और या तो जमींदार। अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखो आप तो फार्मर्स को अगर बड़ी हेक्टर ऑफ लैंड है, बहुत बड़ी ज़मीन है, तो वहाँ पर अगर फार्मिंग हो रही है तो बहुत सारे फार्मर्स अगर फार्म कर रहे हैं तो उनको क्या मिलेगा? ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी बहुत सैलरी, और वो थोड़ी बहुत सैलरी में वेजेस में वो लोग क्या करेंगे, वो खुद का ही खर्चा खाली कर सके। तो दोनों सिचुएशन में फार्मर्स का कोई भी ग्रोथ यहाँ पर नहीं था, जिसको हम लोग एज अ लैंड टेन्योर सिस्टम, टेन्योर मतलब ज़मीन देना एक्चुअली रेंटल पर्पस और इस पे, राइट। सो ये चीज़ थी। फिर कमर्शलाइजेशन होने लगता था इवन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। सो मैं आपको बताऊँ तो हमारे देश में दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स मतलब वीट, राइस और ये सब चीज़ें खाने की
जैसे सारी पल्सेस वगैरह सब कुछ हो गए. कैश क्रॉप्स मतलब जो सीधा एज अ रॉ मटेरियल के लिए ही यूज किए जाए. कैश क्रॉप्स का क्या मतलब है? ऐसे क्रॉप्स जो सीधा एज अ रॉ मटेरियल इन अ फैक्ट्री यूज किए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ग्राउंडनट, फिर शुगर केन, फिर कॉटन, सिल्क, ये सारे क्या है? कैश क्रॉप्स है जो उसका डायरेक्ट यूज नहीं होता है फॉर द कस्टमर्स, वो डायरेक्टली यूज किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल्स. सो हमारे यहाँ पर इंडिया में ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल कैश क्रॉप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया, क्योंकि डायरेक्ट उनको क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल. और फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन क्या होने लगा? धीरे धीरे डाउन, राइट. फिर दूसरी चीज़ थी लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी. हमारे देश में ब्रिटिश टाइम पर प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? लो हो गई. ये सब चीज़ों से तो लो होनी ही थी ना. एग्जैक्टली, क्योंकि फूड क्रॉप्स इतने नहीं, कैश क्रॉप्स, और वो भी एज अ रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को दिए जाते थे लो प्राइस पे, और ब्रिटिशर्स उसमें से फिनिश गुड्स कन्वर्ट. अब व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्टिविटी? प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टर ऑफ लैंड या एक ज़मीन पर कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्टिविटी. तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? लो. ऑफकोर्स होनी थी, क्योंकि इतनी दिस इज बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम. और हमारे देश में जो फार्मर्स थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, तो टेक्नोलॉजी भी नहीं थी. हम लोग तो क्या यूज करते थे? बुलॉक्स और ये सारी चीजें. हमारे पास ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, ये सारी चीजें थी नहीं. प्लस हमारे यहाँ पर प्रॉपर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो व्हाट यू मीन बाय पेस्टिसाइड्स, जो एक्चुअली जो क्रॉप्स को इंसेक्ट्स और इन सब से बचाए, ताकि वो इंसेक्ट्स वगैरह वो क्रॉप्स को खा नहीं जाए. सो वो पेस्टिसाइड्स वगैरह भी चीज़ हमारे यहाँ पे नहीं थी, जिससे एक्चुअली हमारे प्रोडक्शन सेव हो सके. तो ये सारे चीज़ें रिलेटेड कमी, इवन आर्टिफिशियल सीड्स वगैरह नहीं थे. आज के टाइम पर ठीक है यूज़ हो रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल 190 साल में ये दिशा हुई थी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो नो पेस्टिसाइड्स, नो टेक्नोलॉजी, नो आर्टिफिशियल सीड्स, समझे? फिर चीज़ आदा एक और एलिमेंट था, एक और फीचर था एग्रीकल्चर सेक्टर में, डैट इज हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. क्या था? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, क्योंकि पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? उस टाइम पर डिपेंड होता था रेन, क्योंकि उस टाइम पर हमारे पास ड्रिप इरिगेशन मेथड्स और ऐसे सारे मेथड्स, इरिगेशन मेथड्स, पानी वगैरह हम लोग इतना सेव करके नहीं रखते थे, और हमारा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर इसके ऊपर चलता था. किसके ऊपर डिपेंड था? रेन. एंड द रेन वाज अनसर्टेन, उसका तो कोई भरोसा ही नहीं. अगर बिन मौसम बारिश हो जाए तो सारा क्रॉप बर्बाद हो जाए, जैसे अभी भी इवन हुआ. आप अभी करंटली क्रॉप्स में, कुछ क्रॉप्स में हुआ अभी उसी टाइम, कहीं पर बारिश हुई थी और वीट प्रोडक्शन इतना सारा पड़ा था और पूरा बर्बाद हो गया वो. सो इवन आज के टाइम पर भी ऐसी थोड़ी बहुत सिचुएशंस होती है. और इवन हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, दैट इज़ द हाई डिपेंडेंसी ऑन द रेन, एंड द अनसर्टेन इज अनसर्टेन. वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो नेचुरल चीज़ है. प्लस टैक्स हमारे को ब्रिटिशर्स लगान, दैट इज एक्चुअली द टैक्स, वो भी हम लोगों को बरवाते थे. आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी कि किस तरीके से वहाँ पर एक्चुअली रेन तो होती नहीं थी, प्रोडक्शन तो डाउन, तो वो टैक्स कैसे भरेंगे. तो इस तरीके से ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करते थे. और हमारा जो जब देश आज़ाद हुआ था, तब ऐसी हालत थी हमारे एग्रीकल्चर. मैं आपको बताऊँ एक चीज़, जब देश एक्चुअली आज़ाद हुआ था ना 1947, तब हमारे पास फूड क्रॉप्स तक नहीं थे. हम लोगों को वो फूड क्रॉप्स किसी और देश से इंपोर्ट करने पड़े, ताकि क्योंकि सामने पॉपुलेशन देश की इतनी थी और सामने फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन इतना नहीं था. और डे बाय डे आफ्टर इंडिपेंडेंस
गवर्नमेंट्स कुछ ऐसी बहुत स्ट्रेटजीज और प्लान्स रेडी किए गए ताकि वो एग्रीकल्चर को इम्प्रोवाइज किया जाए, क्योंकि मोर देन 70-80% डिपेंडेंसी लोग डिपेंड थे एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि उनका मेन रोजगार ही सिर्फ एग्रीकल्चर, बिकॉज हमारा देश एग्रियन था, एग्रियन है और एग्रियन ही रहेगा हमारा देश इंडिया। सो इंडिया इंडस्ट्रियलाइज हम लोग जो बोलते हैं, लेकिन नहीं, इंडस्ट्रीज बड़ी है लेकिन हमारा मेन ऑक्यूपेशन इंडिया का एग्रीकल्चर था, है और हमेशा ही रहेगा। सो ये एक्चुअली सीन था 190 ईयर्स में, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में हालत की थी। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द लेक्चर नंबर 2। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज इंडस्ट्रीज, और फिर फर्दर वीडियोस में हम लोग और आगे देखते जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।